राजपूत करणी सेना मूल जिला नीमच में कई पदाधिकारियों में फेरबदल हुआ है, जिसमें जिला अध्यक्ष शक्ति सिंह राठौर को प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उसी प्रकार नीमच जिला अध्यक्ष के रूप में विक्की बन्ना बागरेट को नियुक्त किया था। दीपावली मिलन समारोह में बंटी बना सेमली चंद्रावत को तहसील उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तहसील उपाध्यक्ष अपने संगठन व समाज के कार्यक्रम एवं समाज की गतिविधियों की शुरुआत हुई है। नीमच महाराणा प्रताप मूर्ति पर माल्यार्पण कर सर्व हिंदू समाज के युवाओं ने महाराणा प्रताप चौराहे पर तहसील उपाध्यक्ष का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया है। बंटी बन्ना ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मैं आगे भी अपने संगठन और राजपूत समाज के लिए एक मजबूती से कार्य करूंगा, और उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया है। समस्त जानकारी राजपूत करणी सेना मूल जिला मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह सोनीगरार जमुनिया खुर्द ने दी है। जिला अध्यक्ष विक्की बन्ना बागरेट की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया। ये अपने असेंबली की तरफ से तहसील उपाध्यक्ष नीमच के इनकी तरफ से रखा गया, क्योंकि ये अपने आगमी कार्यक्रम रखेंगे, गतिविधि देंगे, किसी को पद देंगे, तो अपन इसीलिए और आगमी गांव-गांव में जाकर अपन बंटी बना प्रचार प्रचार करेंगे और इसी संगठन को अपन मजबूत करेंगे। और आगे जो अपने शिव प्रताप सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने 1000 मूर्ति का अराउंड किया है, इसीलिए अपने बंटी बना असेंबली के ने ये जिम्मा उठाया है कि मैं इस संगठन को मजबूत करूँगा, इनका यही दायित्व। आज यहाँ पे क्या किया? आपने महाराणा प्रताप की मूर्ति पे अपने माल्यार्पण करवाया अभी, और सभी करणी सैनिक इकट्ठा हुए यहाँ पे श्री राजपूत करणी सेना मूल की तरफ से। आज उनको कोई पद वगैरह मिला है? हाँ, इनको तहसील उपाध्यक्ष पद मिला है नीमच में, और अध्यक्ष भी अभी नियुक्ति नहीं हुई है, अभी करवाएंगे इसी को। विक्की बन्ना बागरेट की तरफ से भी कुछ कार्रवाई आगे होगी, और अभी भी वो जिला अध्यक्ष बने हैं, इसीलिए पहले शक्ति सिंह जी राठौड़ थे, अब विक्की बन्ना बागरेट।